अरे नहीं नहीं भाई, कोई सपना नहीं देख रहा, ना ही मैंने कोई मस्ती मजाक किया इस वीडियो में। फाइनली सही में आरसीबी ने इस साल आईपीएल का अपना जो पहला मैच उसे जीत लिया। लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि मैच में एक पॉइंट पे आरसीबी और उनके फैंस के थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह था। अरे यार, हमारे आईपीएल इतना खास है जो स्क्रिप्ट राइटर्स है, वैसे नॉर्मल इंसान थोड़ी है हमारी तुम्हारी तरह, जो बस नींद में सो रहे होते हैं वो नींद में भी स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं धांसू वाली, और उसका एक नमूना वो कल वाले मैच से भी मिल गया। कल मैंने आपको एक ट्वीट दिखाया था एलएसजी के अकाउंट का, जो कह रहे हैं भाई हम तो चिल कर रहे हैं आरसीबी के साथ बिल्कुल टेबल के नीचे। लेकिन इस पोस्ट पर एक बंदे ने क्या सेविज रिप्लाई किया, अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। अच्छा आरसीबी वालों, जरा मुझे एक बात बताओ कि अगर एबी डिविलियर्स को तुम सीएसके की जर्सी में देखते तो कैसा लगता, क्या तुम देख पाओगे? क्या बात करता है यार, बुरा लगता ना बहुत ज्यादा। तो भाई आपको धन्यवाद करना चाहिए विराट कोहली और दिनेश कार्तिक को, जिनकी वजह से आरसीबी मैच जीत गई और एबी डिविलियर्स अपनी शर्त को, स्कॉट साइरिस अपने दोस्त के साथ उनकी शर्त लग दी भाई कि अगर आज के मैच में आरसीबी हार गई तो सीएसके और जीटी वाले मैच में एबी डिविलियर्स को सीएसके की जर्सी पहननी पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि आरसीबी मैच जीत गई है तो स्कॉट साइरिस को आरसीबी के अगले मैच में आरसीबी की जर्सी पहननी पड़ेगी। इसे कहते हैं उल्टा तीर अपनी। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आईपीएल का फाइनल है वो चिपॉक में होने वाला है, उसके पीछे की पूरी थ्योरी आपको समझाई थी, तो पूरा शेड्यूल भी आईपीएल का निकल के आ गया है। और मैं तो बस ये कहना चाहूंगा बाकी टीम्स और उनके सपोर्टर्स, अब तुम लड़ते रहो, हमारी चेन्नई का स्पॉट तो पक्का ही है फाइनल में। कल होली थी तो हमारे जो इंडियन क्रिकेटर्स है उन्होंने मस्त तरीके से होली को एंजॉय किया, और सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स थोड़ी भाई, फॉरेन क्रिकेटर्स ने भी इसके पूरे मजे लिए। ये देखो डेविड वार्नर को ही देख लो, वैसे मैं तो इनको फॉरेनर बोलूंगा नहीं, ये इंडियन ही है बस बिना आधार कार्ड वाले। अरे रोहित शर्मा, आप किसको बंदूक दिखा रहे हो, ये आपकी वाइफ है हार्दिक पांड्या नहीं? रोहित शर्मा पूरी प्लानिंग में होंगे कि आज हार्दिक पांड्या को ऐसा कलर लगाऊंगा ना कि ये बंदा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा अपना। कल के मैच में आपको याद होगा मैंने वो कुत्ते वाली वीडियो आपको दिखाई थी जो कि मैदान में घुस गया था, अब उस कुत्ते की एक और वीडियो आई है जो कि सारा कांड करने के बाद कैसे मस्त तरीके से एस्केप कर रहा है, बिल्कुल कुछ वैसे ही जैसे हार्दिक पांड्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों को एस्केप कर रहे हैं। द मैनेजमेंट डिसाइड दैट रोहित शुड नॉट कैप्टन द मुंबई इंडियंस एंड हार्दिक शुड कैप्टन द मुंबई इंडियंस। और यार चलो ठीक है, हार्दिक पांड्या के लिए लोग गुस्सा है, लेकिन यार ये क्या तरीका है, जब वो कुत्ता वहां से भाग रहा था तो क्राउड में से लोग हार्दिक पांड्या चैंट कर रहे थे उस कुत्ते को देख के। बेचारा कुत्ता। अब कल दिन में चली होली और रात को मजे दे गया कोहली, कितना खुश होंगे ना आरसीबी के सारे फैंस भाई, चलो पहली विक्ट्री तो मिल गई इस आईपीएल की। तो मैच था भाई पंजाब और आरसीबी के बीच में, चिन्ना स्वामी का ही ग्राउंड था, आरसीबी ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी और सही डिसीजन भी है क्योंकि लास्ट मैच में सीएसके के सामने डिफेंड तो हो नहीं पाए थे, तो चेस करना एक बेटर ऑप्शन है। फिर भी अभी वैसे आरसीबी के मैनेजमेंट को कितनी गालियां पड़ी है आपको पता है यश दयाल को लेने के लिए, लेकिन इस बार यश दयाल का इकोनॉमी इस मैच में बढ़िया था भाई, 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए और एक विकेट भी ले ली। लेकिन भाई आरसीबी की टीम है, दूसरी साइड से कोई ना कोई तो मेहनत कर ही रहा होगा, अल्जारी जोसेफ ने इतने महंगे अपने स्पेल डाले और साथ में पूरा साथ दिया मयंक डागर ने भी। 20 ओवर पूरे करते करते आरसीबी को स्कोर मिला 177 का, जो कि ना बहुत ज्यादा था ना बहुत कम चिन्ना स्वामी के हिसाब से। लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि दिन में चली थी होली और रात को मजे दे गया कोहली, भाई कोहली आए मैच में और शुरुआत से ही कोहली ने वो चीज करी जो कि यूजुअली वो करते नहीं है, चौके छक्के मारने उन्होंने पहले से ही शुरू कर दिया। अब बीसीसीआई वाले भी सोच रहे होंगे भाई क्या सोच रहे थे हम, ये कोहली नहीं होगा T20, अबे रखो इसको, जीतना है नहीं जीता तुमको वर्ल्ड कप। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। बीच में मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया भाई आरसीबी का, क्योंकि अपने किंग कोहली को सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं है, तो उस वजह से थोड़ी सी इनिंग धीरी हो गई। लेकिन फिर भी 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से 11 चौके और 2 छक्के लगाए विराट कोहली ने, और कह सकते हैं कि ऑफिशियली द किंग कोहली इज बैक। लेकिन आपको पता ही है ना कांग्रेस के पास वोट्स और आरसीबी के पास गुड लक, ज्यादा टाइम टिकता कहाँ है। मुझे क्यों तोड़ा, विराट कोहली आउट हो गए और आउट किसकी बॉल पर हुए, हर्षल पटेल की, जो कि पिछले सीजन में तुम्हारे साथ ही खेला है। गद्दारी कर बे। देखो भाई विराट कोहली आउट हुए तो आरसीबी के सारे फैंस लटक गए कि भाई चलो दूसरा मैच भी गए, अब देखते हैं तीसरा मैच, क्या पता आरसीबी वहां पर जीत जाए। लेकिन why fear when दिनेश कार्तिक is here, और कहना पड़ेगा कि जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर दिनेश कार्तिक खड़े होते हैं, चाहे इससे पहले वाले मैच में सीएसके के सामने उन इंपॉर्टेंट रन की बात कर लो, और यहां पर एंड में आके जो धुआंधार बैटिंग करी दिनेश कार्तिक ने, पूरी दुनिया डिस्कशन कर रही है कि भाई वर्ल्ड कप में कौन होगा वो विकेट कीपर बैट्समैन जिसको बीसीसीआई सिलेक्ट करेगी, लेकिन दिनेश कार्तिक भी कह रहे हैं अभी हम जिंदा हैं
दिनेश कार्तिक के 10 बॉल में 28 रन एंड में लोमरोर का जो उनको सपोर्ट मिला, और ऑब्वियसली विराट कोहली की इस बढ़िया इनिंग की वजह से आरसीबी ने दूसरा मैच अपना जीत लिया। लेकिन आखिरी ओवर में मामला थोड़ा सा धक-धक होरेला वाला होता है, लेकिन चौके छक्के के साथ दिनेश कार्तिक ने ये वाला मैच आरसीबी के नाम कर दिया। अब मैच किसी भी ग्राउंड में विराट कोहली का हो रहा हो, अगर एक फैन उनसे मिलने आया तो ऐसा लगता नहीं है कि विराट कोहली का मैच कंप्लीट हुआ, एक फैन आ गया और उनके पैर छूने लगा। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये पुलिस वाले पता नहीं इस फैन को कहाँ कहाँ पे छूने वाले हैं। लेकिन इससे पता चलता है भाई विराट कोहली का क्रेज तो नेक्स्ट लेवल पे है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। पोस्ट मैच इंटरव्यू में शिखर धवन ने खुद बोल दिया भाई कि विराट कोहली का कैच छोड़ना ना उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई। कीमत तो यार कह सकते हैं बहुत बड़ी थी, प्रीति जिंटा के चेहरे से स्माइल छीन ली यार तुमने। मैच के बाद विराट कोहली ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली भाई जिनसे हम सारे लोग अग्री करेंगे। उन्होंने खुद माना कि अब उनका यूज किया जा रहा है, उनके नेम का यूज किया जा रहा है क्रिकेट को ग्लोबली और ज्यादा पॉपुलर करने के लिए। और मैच के बाद की विराट कोहली की कुछ फोटोज भी आई हैं जहां पर वो घर पर अपने वीडियो कॉल में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, और चेहरे की खुशी देख के लग रहा है कि शायद अकाय से भी बात हो रही है, उनको मिस भी बहुत कर रहे हैं। अरे डबल खुशी तो तब हो गई जब ये पता चला कि विराट कोहली के सर पर ऑरेंज कैप भी आ गई है। इतनी खुशी थाला दोबारा से आज दर्शन देने वाले हैं, क्योंकि आज सीएसके और जीटी का मैच होने वाला है जिसको आईपीएल की सबसे बढ़िया टीम बोलते हैं। और एक फोटो भी आ रही है भाई धोनी की अपने पुराने वाले कोच के साथ, वही वाले कोच जिनके साथ मिलके हमने वर्ल्ड कप जीता था। लग रहा है प्लानिंग चल रही है इन दोनों दिग्गजों के बीच में कि अब कैसे इस साल का T20 वर्ल्ड कप इंडिया को जिताना है। जीटी वालों आज के मैच के लिए रेडी रहो, पहले मैच की तरफ चेन्नई इस मैच में भी जीतने वाले, क्योंकि आज की डेट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 26 मार्च 2+6+0+3 and -2 7 थाला फॉर अ रीजन। क्या करूं यार ये थाला फॉर अ रीजन वाली चीज जब तक बार बार ना बोली जाए ना इसका मजा नहीं आता। खैर ऐसा मजा इस चैनल पर कंटिन्यू रहने वाला आईपीएल की सारी वीडियोस के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लग गई है तो लाइक कर लेना, और तब तक आप जिंदगी के मजे लेते रहो वरना पता है ना जिंदगी आप समझ ले लेगी।